नेक्स्ट टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का एडवांटेजेस क्या है? कम्युनिकेशन। फ्लो चार्ट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ अ सिस्टम बेटर। ये जो कम्युनिकेशन है वो लॉजिक की तरह अंडरस्टैंड करता है सिस्टम की अंदर, बेटर अंडरस्टैंड करता है। इफेक्टिव एनालिसिस। प्रॉब्लम कैन बी एनालिज इन अ मोर इफेक्टिव वे यूजिंग अ फ्लो चार्ट। इसमें जो कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो हम आसानी से एनालाइज कर सकते हैं और उसके अंदर इफेक्टिव फ्लो चार्ट बना सकते हैं। कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। फ्लो चार्ट सेव एज गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। फ्लो चार्ट के अंदर हमें अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन बनाना है ताकि हमारे यूजर को यानी कि कस्टमर को फ्लो चार्ट देख के हमारे जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देख के फ्लो चार्ट अच्छा लगे और समझ में आए। नेक्स्ट है इफिशियंट कोडिंग। फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड और ब्लू प्रिंट ड्यूरिंग सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज। इफिशियंट कोडिंग यानी कि हमें जो फ्लो चार्ट जो हमने डॉक्यूमेंटेशन बनाया है उनके हिसाब से हमें फ्लो चार्ट बनाना है, उनके गाइड लेके यानी कि जो हमने बनाया है उस स्टेप बाय स्टेप हम उसके अंदर इफिशियंट कोडिंग करेंगे और एनालिस करेंगे, फिर बाद में हम उस कोडिंग का डेवलपमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ अ फ्लो चार्ट। उनकी लिमिटेशन क्या है? फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स इफ द प्रॉब्लम लॉजिक इज कॉम्प्लिकेटेड। और जो आपका प्रोग्राम है वो कॉम्प्लेक्स कब होगा? जो हमारी लॉजिकल कंप्लाई नहीं होगी। कॉम्प्लिकेटेड तब होगी जो हमारी लॉजिक है वो सही नहीं होगा, तब हम सही वे से नहीं जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं जाएंगे, तो हमारा ये जो फ्लो चार्ट है वो कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा। राइट, इट हैज टू बी कम्प्लीटली रिड्रॉन इन केस ऑफ अल्टरनेशंस। अगर आपने जो ये फ्लो चार्ट है वो आपने रिड्रॉ नहीं किया, अल्टरनेशन केस के अंदर नहीं किया, तो वो हमारा कम्प्लीटली नहीं होगा। ओके, सो हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं, जो भी हम अल्गोरिदम बना रहे हैं, तो वो हमें सही से बनाना है, स्टेप बाय स्टेप बनाना है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? उसमें कोई भी इधर उधर नहीं करना है, जो भी स्टेप है वो हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। अंडरस्टूड? ओके, सो स्टूडेंट्स टुमारो वी विल डिस्कस फ्लो चार्ट सिंबल्स। ओके, okay?